हे गाइस, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड या मेरे वीडियो का टॉपिक देख के आप समझ ही गए होंगे, इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ एंड व्हाई मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, जस्ट बिकॉज इट्स लीड्स टू अ हेल्दी गट एंड मोर हेल्दियर एंड ग्लोइंग स्किन। सो एक हेल्दी स्किन के लिए हेल्दी गट होना ज़रूरी है, हेल्दी मेंटल स्टेटस होना ज़रूरी है। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड बाय टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो करेंट सिनेरियो चल रहा है, इट्स ऑल अबाउट COVID-19 की। लोग काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर में बंद हैं, लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुतों की जॉब चली गई है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो हैं यू नो डरे हुए हैं, स्कैर्ड हैं काफ़ी लोग। एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट इन होल वर्ल्ड लोग काफ़ी यू नो एक बोरियत का भी माहौल है, साथ में डर के साथ साथ, और उसके कारण लोग लो फील कर रहे हैं। लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वन से मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जो अपनी फैमिली से बाहर रहकर दूसरी सिटी में रह के, दूसरी कंट्री में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर। क्या गाइस, मैं आपके साथ कोई रिसर्च थ्योरी थीसिस बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती मेंटल हेल्थ के बारे में, और ना ही मैं कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बनना चाह रही हूँ। मैं सिंपली आप लोगों के साथ एक रियल लाइफ स्टोरी, एक रियल लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ उस इंसान की जिसे मैं अपना रोल मॉडल मानती हूँ। सो या विदाउट वेस्टेड एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या गाइस, दिस स्टोरी इज़ अबाउट कर्नल हार्लन सैंडर्स, और सिंपली कॉल्ड हिम कर्नल सैंडर्स। सो जो कर्नल सैंडर हैं, जो जानते हों उनको ऑलरेडी, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी जानते हैं, उनको उनके बारे में पता होगा। बट जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूँ, ही इज़ फाउंडर ऑफ KFC, कैंटकी फ्राइड चिकन। हर किसी ने उसका एडवर्टीजमेंट TV में तो देखा ही होगा KFC के, एज़ इट्स हैविंग मोर देन 360 और 350 आउटलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टिल 2020। एंड जो नॉन वेजिटेरियन है एंड अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, तो उन्होंने कभी ना कभी तो KFC का फ्राइड चिकन खाया ही होगा। सो या कर्नल हार्लन सैंडर की स्टोरी जो है, काफ़ी कम एज से ही उनकी लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। व्हेन ही वाज 5 ईयर ओल्ड हिज फादर डाइड, और उनकी मॉम जो जाती थी उनको उनके सिबलिंग्स के साथ छोड़ के बाहर टोमेटो कैनरी में वो काम करती थी आफ्टर हिज फादर्स डेथ। तो वो काफ़ी छोटे थे उस एज में, और वो अपने सिबलिंग्स का सबका ख्याल रखते थे। काफ़ी कम एज में ही उन्होंने कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, उनके मॉम के एब्सेंस में वही कुक करते थे, अपने सिबलिंग्स को फीड करते थे, एंड ऐसा उनका जो था चाइल्डहुड था। धीरे धीरे कर्नल सैंडर्स बड़े हुए, उन्होंने अपने यू नो फार्म में ही काम करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद फार्म में काम करते करते उनको एक दिन अचानक से अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ की आर्मी ज्वाइन करने की। तो उन्होंने आर्मी ज्वाइन की वहाँ पे, एंड वो भी उन्होंने फॉल्सिफाई करके अपनी एज उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी। एंड अबाउट 16 उन्होंने 2 साल के अंदर में आर्मी की जॉब छोड़ के रेलवेज़ में जॉब करना स्टार्ट किया, कोल इंजन में। एंड वहाँ पे काम करते करते उनका फाइट हुआ अपने ही कलीग के साथ, देन उनको वो जॉब क्विट करनी पड़ी। तो इस तरह से उन्होंने अपने करियर में भी काफ़ी स्ट्रगल किया। इनफैक्ट उन्होंने अपने करियर के अलावा उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। वहाँ से जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्स एजेंट वर्क किया। देन वो पढ़ाई भी कर रहे थे, पढ़ाई के साथ साथ अपना जॉब भी वो कर रहे थे, एंड उन्होंने लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। सो ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ। तो जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, एंड ही ऑलरेडी गॉट मैरिड एट दैट टाइम, तो उनको उनकी एक फ़ाइट हो गई जो उनके सामने वाली जो पार्टी थी उसके साथ, एंड उसके कारण उनका जो लाइसेंस था वो सीज हो गया। सो
ऐसे सिचुएशन में उनको काफ़ी क्राइसिस भी फेस करनी पड़ी, और इस बीच में ड्यू टू क्राइसिस उनकी वाइफ जो है उनको छोड़ के अपने पेरेंट्स के साथ जाके शिफ्ट हो गई अपनी बेटी को लेके। तो यहाँ पर उनको पर्सनल प्रॉब्लम भी थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ भी थे जो वो फेस कर रहे थे, और यहाँ पर उनका करियर इश्यूज़ भी चल रहे थे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब उनका लाइसेंस सीज हुआ तो उन्हें अगेन वो जो निचले स्तर वाला जो काम जिसे हम कहते हैं, जैसे कि कहना नहीं चाहिए क्योंकि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, या उन्हें अगेन रेलवे में कोल इंजन में ही काम करना पड़ा। और इस बीच वो काम करते करते वो फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने अपने करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ जब वो एक पेट्रोल पंप में जॉब कर रहे थे। तो वहाँ पर दो गैंग के बीच में एक वॉर जैसा छिड़ा, और उस बीच में कर्नल सैंडर्स ने वहाँ के लोकल लाइट्स की काफ़ी हेल्प करी, तो इसलिए उनको कर्नल की उपाधि दी गई। और यहाँ से उनको एक रिकॉग्निशन मिला, वो लोगों के बीच में फेमस हुए। तो पेट्रोल पंप का जॉब तो नहीं रहा उनका, बट वो लोगों के बीच में फेमस हो गए, और उनको ओल्ड एज पेंशन जो होता है तो उनको वो पेंशन मिलता था। उन्होंने फिर उस पेंशन से अपने चिकन का एक छोटा सा बिजनेस जैसा स्टार्ट किया, और उसके पहले उन्होंने लोगों को फ्री सैंपल्स दिए अपने फ्राइड चिकन के, और लोग उसे काफ़ी पसंद किए, एंड देन उन्होंने अपना आउटलेट ओपन किया। बट अगेन यहाँ पर फिर से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ। ड्यू टू क्राइसिस उनका जो रेस्टोरेंट था वो रेस्टोरेंट उनको बंद करना पड़ा। जब रेस्टोरेंट उनका बंद हुआ तो उन्होंने अपनी रेसिपीज़ दूसरे रेस्टोरेंट को सर्व करना स्टार्ट किया। वो जाते थे वहाँ दूसरों के किचन में कुक करते थे एंड देन सर्व करते थे। तो इस तरह से उनकी लाइफ चली। बट इस बीच में 1009 टाइम्स उनकी डिश जो है रिजेक्ट हुई डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में। तो ये सारी चीज़ों से भी उन्होंने अपने आप को उभारा, और फिर उन्होंने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी, फाइनली एट द एज ऑफ 65 उन्होंने अपना फिर से एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जिसको आज हम सब कोई KFC के नाम से जानते हैं, और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एंड आप देख सकते हैं उनकी लाइफ में जो सक्सेस आया वो 65 की एज में आया। तो आप ये भी कह सकते हैं इट्स नेवर बी टू लेट कि आप कोई भी काम करें और आप उस काम में सक्सेस पाएं। किसी भी काम को करने के लिए आप ये नहीं कह सकते अरे यार अब तो बहुत देर हो गई, अब मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। एंड उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अपने ही कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर वो खुद बन के रहे थ्रू आउट हिज लाइफ एंड इवन आफ्टर हिज लाइफ। तो आज भी अगर आप कहीं पे भी जाते हैं तो कर्नल सैंडर्स की फ़ोटो ही लगी आपको दिखेगी, पिक्चर उनका बना हुआ आपको दिखेगा KFC के ब्रांडिंग में। ये एक मुझे उनकी बहुत अच्छी चीज़ लगी। उन्होंने खुद अपने प्रोडक्ट को बोल सकते हैं प्रमोट किया मार्केट में, और वो भी 65 अबव होने के बाद। मतलब लोगों के बीच तो वो फेमस हो ही गए थे वो गैंग वॉर के बाद में, बट उन्होंने इतनी क्राइसिस फेस करने के बाद, उसके बाद भी 1009 टाइम्स उनके डिश रिजेक्ट होने के बाद अपना खुद का, मतलब आप सोच सकते हैं इतनी ओल्ड एज में उस इंसान ने इतनी हिम्मत करी। यहाँ पर तो हमारे यहाँ यंग लोग जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं केवल 2-3 टाइम्स बाद फेलियर फेस करके। अब आगे हम देखते हैं उनकी लाइफ में क्या हुआ। जब वो 90 में पहुँचे, अपने 90s जब उन्होंने टच किया, तो उन्होंने अपनी जो KFC वो रन करने के लिए फिज़िकली उतने एफिशिएंट नहीं रह गए थे उनको लगा, तो उन्होंने अपनी जो बिज़नेस है वो सेल आउट कर दिया, एंड उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने चैरिटी में डोनेट कर दी। सो दैट्स व्हाई आई कॉल हिम माय इंस्पिरेशन। और
माय रोल मॉडल, क्योंकि आप देख सकते हैं थ्रू आउट हिज चाइल्डहुड और थ्रू आउट हिज लाइफ आप बोल सकते हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल से उन्होंने ओवरकम किया और यू नो लाइफ टाइम वो फाइट करते रहे, बाहर के लोगों से भी, अपने लोगों से भी और अपने आप से भी। तो यहाँ पर आपको इनकी लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं जो कि नोट करने के लिए हैं कि आपको लाइफ में हमेशा फ़ाइट करना पड़ेगा, अपने लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। सेकंड थिंग ये है कि कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये हमारी एज नहीं है ये काम करने की, या फिर वो हमारी एज नहीं रही अब काम करने की, वैसा काम ऐसा काम आप नहीं बोल सकते। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, लोगों के पास हज़ार बहाने होते हैं डिप्रेस होने के, ठीक है, फेलियर अपनी एक्सेप्ट करने के लिए। बट आप यहाँ पर देखिए, इस इंसान ने थ्रू आउट हिज लाइफ कभी फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया, वो फाइट करते रहे करते रहे करते रहे एंड इन दी एंड उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस वेंचर खड़ा कर दिया जिसके आउटलेट्स 360 आउटलेट्स जो हैं पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। इनफैक्ट COVID-19 के दौरान KFC ने काफ़ी जगह पार्सल सर्व किए हैं लोगों को, बाहर ही नहीं इंडिया के अंदर भी। और वो इंसान ज़िंदा रहते ही नहीं, आज की डेट में वो हमारे बीच में मौजूद ना हो के भी वो मौजूद है KFC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज भी। सो या गाइस, मैं आपको इनकी लाइफ स्टोरी इसलिए बताना चाह रही थी क्योंकि इनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये ओवरकम कर गए। तो क्या हमारी जो यंग जनरेशन है आज की डेट में, आप देखिए कितनी जल्दी लो फील करने लगती है, बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाती है, बहुत जल्दी फेलियर एक्सेप्ट कर लेती है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हमको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और रही बात स्टैंड लेने की, तो लोग एक्सेप्ट करते हैं दूसरों से कि वो उनके लिए स्टैंड लें, पर ऐसा नहीं होता, आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ता है। हर जगह आपके फ्रेंड्स या हर जगह आपके पेरेंट्स या हर जगह आपके सिबलिंग्स आके आपके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। तो और यही जो एक्सपेक्टेशन होती है ना स्टैंड लेने की, वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। तो इसलिए आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम से खुद ओवरकम करने का तरीका ढूंढने की ज़रूरत है, इंस्टीड ऑफ राइडिंग अवे। लोग भागते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा ही रिसेंटली सुसाइड केसेस, ठीक है, मैं केवल बॉलीवुड स्टार की ही बात नहीं करूँगी, आम लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा गया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और आप देखेंगे कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस जो टाइम पीरियड था इसमें जो है सुसाइड के केसेस जो हैं काफ़ी बढ़ गए। सो या गाइस, मैं जब भी लो फील करती हूँ तो मैं हमेशा इनकी लाइफ स्टोरी को याद करती हूँ, और तब मैं ये सोचती हूँ कि जब वो एक सीनियर सिटीज़न 65 इयर्स ओल्ड आदमी अपना पेट पालने के लिए स्ट्रीट में घूम घूम के उन्होंने अपने फ्री जो उनके फ्राइड चिकन थे उसके सैम्पल्स लोगों को टेस्ट कराते थे, फिर उसके बाद जब उनको अच्छा फीडबैक मिला तो उन्होंने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, उसके बाद क्राइसिस के कारण World War II की उनको बंद करना पड़ा, फिर वो जगह दूसरे रेस्टोरेंट में जा के अपनी जो है रेसिपी वो वहाँ पर शेयर करते थे, सर्व करते थे, सेल आउट करते थे, उसमें भी उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ा और फिर भी वो हार नहीं माने, अपना काम आगे वो करते चले गए। एंड वी आर प्रेटी यंग, तो हमको तो इतनी जल्दी फेलियर एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए। अगर हमसे एक काम अच्छे से नहीं होता तो हमारे पास हज़ारों काम ऐसे होंगे जो हम अच्छे से कर सकते हैं, तो हमको उसमें से एक पिक कर लेना चाहिए अपने लिए एंड अपना मतलब बेस्ट देना चाहिए। बेस्ट देने के बाद भी अगर आपको फेलियर फेस करना पड़ता है, देन डू एक्सेप्ट इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और ऐसा नहीं कि आप हार मान के उस काम को छोड़ दें, आप करते रहें, आगे बढ़ते रहें, कोशिश करते रहें। ऐसा नहीं कि आज के जो टाइम में देखने को मिलता है कि हमारी यंग जनरेशन तुरंत हार मान जाती है और फिर गलत स्टेप्स ले लेती है, इधर सुसाइड और ड्रग एडिक्शन और कुछ गलत काम की तरफ बढ़ जाना,
सो इट्स बेटर कि आप ये सारी चीज़ों को समझें कि हमारी लाइफ के लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में हमें खुद अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। दूसरों से हमेशा एक्सपेक्टेशन करना सही बात नहीं है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो हम डिप्रेशन में जाते जाएंगे, एंड देन फिर डिप्रेशन से आपको ओवरकम करने के लिए कोई कितना भी आपका काउंसलिंग करता रहे, इट वॉन्ट हेल्प यू मच। वो ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद फाइट करना पड़ेगा, अपनों से भी, बाहर वालों से भी। फ़ाइट करने का मतलब ये नहीं कि आप जाके उनसे हाथापाई कर लें या बहसबाजी कर लें। फ़ाइट करने का मतलब है कि आपको उनको गलत प्रूफ करके, कि जैसे अगर आपको कोई बोलता है यार तू तो ये काम नहीं कर सकता, तू ये काम नहीं कर सकती, तुमसे तो ना हो पाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है, हम ही ये काम करके आपको दिखाएंगे। ये वाला आपका जेस्चर होना चाहिए हमेशा, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बट अंदर से ये चीज़ होनी चाहिए है, और आपको उस वर्क को करके उनको प्रूफ करना चाहिए है। और अगर फेलियर भी फेस करना पड़े ना तो भी आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसमें नहीं तो किसी और चीज़ में। और फेलियर को आपको हमेशा पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए कि मे बी मेरी लाइफ में मेरे लिए ये चीज़ नहीं था, मे बी इससे कुछ बेटर मेरे लिए है। सो या गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे शेयर करें दूसरों के साथ, स्पेशली उनके साथ जिनको आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टाटा, गुड बाय, टेक केयर।